फ्रेंड्स, अगर आप मूवीज के शौकीन हैं तो आप हॉलीवुड मूवीज भी जरूर देखते होंगे, और आपको पता होगा कि हॉलीवुड में कैसे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को मिला के एक नई दुनिया बनाई जाती है। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मार्वल्स के जो सुपर हीरो के कैरेक्टर्स हैं, आपको पता है, आयरन मैन, थोर, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडर मैन, हल्क और जितने भी अदर कैरेक्टर्स हैं, ब्लैक पैंथर, इन सभी का उन्होंने पहले अलग अलग फिल्में बनाई, उनके कैरेक्टर को बताया कि कैसे वो बने, क्या उनकी लाइफ रही। फिर जब सभी सुपर हीरो अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए तो उन सभी को मिलाकर एक नई दुनिया बनाई, एक एवेंजर्स की दुनिया, आप सबको पता है। फिर एवेंजर्स लाए जिसमें सभी सुपर हीरोज को लाया गया और सबने मिलके एक जंग लड़ी, और इसी तरह एवेंजर के 3 पार्ट्स आए। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स की दुनिया हॉलीवुड में बनाई जाती है जिसे दर्शक भी काफी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बॉलीवुड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जो भी कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं उनकी अलग ही फिल्म्स रहती हैं, और कभी भी अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलाकर एक फिल्म नहीं बनाई गई है, लेकिन ये अभी तक की ही बात थी। और अब कुछ ऐसा हो गया है कि हमारे बॉलीवुड में भी अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलाकर नई तरीके की मूवीज बनाई जा रही है, नई तरीके की दुनिया बनाई जा रही है। तो क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका फ्रेंड निक्स, और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल फिल्मी निक्स पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड में भी अब शुरुआत हो गई है कि अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलाकर एक नई दुनिया बनाई जा रही है, और ये सबसे पहले बॉलीवुड में लेकर आए रोहित शेट्टी। जी हाँ, आप जानते हैं कि रोहित शेट्टी ने सबसे पहले सिंघम फिल्म बनाई थी जिसमें अजय देवगन थे, उनका एक कैरेक्टर बना जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिर उसके आगे उन्होंने सिंघम 2 भी बनाई, तो ये कॉप का कैरेक्टर था, एक पुलिस वाले का कैरेक्टर था जिसे रोहित शेट्टी ने बहुत अच्छे से दिखाया और दर्शकों से काफी प्यार मिला। इसके बाद रोहित शेट्टी ने फिर से पुलिस वाले का एक नया कैरेक्टर बनाया सिम्बा का, और रणवीर सिंह को लेकर सिम्बा मूवी बनाई जिसमें अजय देवगन को भी कुछ देर के लिए रखा गया उस फिल्म में, और दोनों जो पुलिस वाले कैरेक्टर हैं वो उस फिल्म में देखे। हालांकि वो पूरी तरह से वो फिल्म सिम्बा की थी, लेकिन दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इसके बाद रोहित शेट्टी ने सोचा कि अब वो पुलिस वालों के मतलब सुपर कॉप की एक अलग से दुनिया बनाएंगे, और इसकी शुरुआत उन्होंने की सूर्यवंशी से। जी हाँ, उन्होंने फिर से एक नया कैरेक्टर बनाया सुपर कॉप का जो है अक्षय कुमार, जो कि सूर्यवंशी फिल्म में हमको नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें सूर्यवंशी मूवी में जो उन्होंने पहले सुपर कॉप के कैरेक्टर बनाए हुए हैं सिम्बा और सिंघम, ये दोनों भी हमें दिखेंगे, और ये तीनों कैरेक्टर हमें सूर्यवंशी में दिखेंगे। और सूर्यवंशी फिल्म पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कोरोना के कारण रिलीज नहीं हो पा रही है और उसकी रिलीज टलती जा रही है। अभी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2020 में फेब्रवरी या मार्च तक वो रिलीज हो जाएगी। तो ये बॉलीवुड में पहली बार ऐसा होगा कि अलग अलग मूवीज के अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलाकर एक अच्छी मूवी सुपर मूवी बनाई जा रही है। लेकिन इसके जो आगे की चीज है जो कि यशराज फिल्म्स कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी चीज है कि आप सबको और हम सबको जो भी फिल्में पसंद करते हैं बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब ये न्यूज़ सुन के ही हम सबको बहुत मजा आ गई है। तो आपको डिटेल्स में बताते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान की आखिरी फिल्म 2017 में आई थी जीरो, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। और उसके पहले भी शाहरुख खान की कुछ फिल्में जो आई थी वो लगातार फ्लॉप होते जा रही थी। तो उसके बाद सबको लग रहा था कि अब नेक्स्ट शाहरुख खान कौन सी मूवी करेंगे, कौन सी साइन करेंगे, और 2017 से इस साल तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी कि शाहरुख खान ने कोई फिल्म साइन कर ली हैं या कौन सी। तो सब बहुत वरीड थे कि सुपरस्टार जो हमारे शाहरुख खान है वो आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन अब न्यूज़ आ गई है। हालांकि ऑफिशियली ये रिलीज नहीं हुई है न्यूज़, ऑफिशियली किसी ने भी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सबको पता चल चुका है शाहरुख खान ने यशराज बैनर्स की फिल्म पठान साइन कर ली है और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। अमूमन अभी ट्रेंड ये है कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो तुरंत उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, उसका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया जाता है, और उसके बाद उसका शेड्यूल बताया जाता है कि उसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी, और उसके बाद जब शूटिंग होती है तो उसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस अनाउंसमेंट के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था कि शाहरुख खान की अगली मूवी कौन सी होगी, वो शाहरुख खान ने चुपचाप साइन भी कर ली, प्रोजेक्ट भी फाइनल हो गया और फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, आखिर मैं पठान की बात क्यों कर रहा हूँ, और जो मैं आपको बता रहा था कि दो तीन अलग अलग कैरेक्टर मिलकर एक नई दुनिया बनने वाला जो कॉन्सेप्ट हॉलीवुड में होता है वो बॉलीवुड में कौन सा हो रहा है, तो उसका पठान से क्या लेना देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे धमाकेदार न्यूज़ यही है कि पठान में जो शाहरुख खान रोल प्ले कर रहे हैं वो एक जासूस का रोल है, मतलब स्पाई का रोल है, जैसा कि हमने देखा कि ऋतिक रोशन ने अभी वॉर में किया था कबीर का किरदार। तो फ्रेंड्स, पठान में शाहरुख खान का भी वही रोल है, वो एक इंडियन एजेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि यशराज फिल्म ने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरा वर्क कर लिया है कि वो इंडियन एजेंट्स की एक सुपर सीरीज बनाने वाले हैं। तो कौन कौन रहेगा,
इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यशराज फिल्म्स ने आज से कुछ साल पहले फिल्म बनाई थी, एक था टाइगर सुपरस्टार सलमान के साथ, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, दर्शकों ने काफी पसंद किया था। तो ऑलरेडी यशराज फिल्म के पास टाइगर जैसा एक इंडियन एजेंट, ऑलरेडी एक कैरेक्टर उनके पास है। इसके बाद उसकी सेकंड पार्ट भी आई थी टाइगर जिंदा है, वो भी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो जो टाइगर का कैरेक्टर है बॉलीवुड में काफी फेमस कैरेक्टर है इंडियन एजेंट्स का, जो कि यशराज फिल्म के बाद पहले से ही है। इसके बाद पिछले साल फिल्म आई थी वॉर, ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर की, जिसमें ऋतिक रोशन ने इंडियन एजेंट कबीर का रोल प्ले किया था। ये भी यशराज फिल्म की मूवीज थी और पिछले साल की सबसे बड़ी हिट थी, काफी पसंद किया था लोगों ने, और कबीर का कैरेक्टर भी काफी पसंद किया था। तो यशराज बैनर्स के पास दो इंडियन एजेंट्स के कैरेक्टर आ चुके थे। अब तीसरा जो कैरेक्टर उन्होंने बनाया है वो है पठान का कैरेक्टर। तो शाहरुख खान अब इंडियन एजेंट्स बन रहे हैं और यशराज फिल्म्स ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया है। तो प्लान ये है कि पठान फिल्म में टाइगर की एंट्री होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, सलमान खान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पठान मूवी में है। ये कोई केमियो रोल नहीं है जैसा कि पहले उन्होंने किया था शाहरुख खान की जीरो में, या शाहरुख खान ने किया था उनकी ट्यूबलाइट में, बिल्कुल वैसा केमियो रोल नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लगभग आधे घंटे का रोल होने वाला है सलमान खान का एज अ टाइगर, जो टाइगर का कैरेक्टर इस फिल्म में आने वाला है पठान में। और इसके आगे की बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा पठान का, तो इसके बाद टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म बनने वाली है और उस फिल्म में शाहरुख खान एज अ पठान आएंगे, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म में। तो ये आपस में होने वाला है पठान और टाइगर में। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो वार सेकंड आएगी, वार का अगला पार्ट आएगा, उनमें ये तीनों एजेंट रहेंगे, शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन इक्वल इक्वल रोल में रहेंगे, और ये बनेगी इंडिया की सबसे बड़ी सुपर कैरेक्टर सीरीज। जी हाँ, सूर्यवंशी तो बनी रही है, सूर्यवंशी का जब सिंघम का थर्ड आएगा तो उसमें भी तीनों रहने वाले हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह। लेकिन जो वॉर 2 आएगी वो सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है, क्योंकि सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन उसमें आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के बाद हम सभी काफ़ी एक्साइटेड है। सबसे पहले हमें पठान देखनी है, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान बहुत सालों के बाद, मतलब कुछ कुछ होता है के बाद, फिर से एक साथ रहेंगे। और इसके बाद जब टाइगर की थर्ड फिल्म आएगी उसमें भी शाहरुख खान रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। और क्योंकि यशराज बैनर्स बना रहे हैं तो आपको पता है बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बहुत ही बड़े लेवल पे शूट करते हैं यशराज फिल्म्स, तो बहुत ही शानदार ये मूवीज होने वाली हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक और बात ये भी बता दूं कि पठान की तो शूटिंग स्टार्ट हो गई है, काफ़ी सारी पिक्स भी लीक हुई हैं और इसको डायरेक्ट भी सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जिन्होंने वार को डायरेक्ट किया था। तो आपको पता है कि सिद्धार्थ आनंद का क्या स्केल है, तो बहुत बड़ी ह्यूज फिल्म होने वाली है पठान। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि शाहरुख खान एक बहुत ही जबरदस्त कमबैक करने वाले हैं पठान के साथ, और उनके साथ सलमान खान भी रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल में। तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है ये फिल्म। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि कैसे बॉलीवुड में भी अब ट्रेंड बदल रहा है और अलग अलग कैरेक्टर्स को मिला के एक सुपर मूवी बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के लेके। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिए। और आपको बता दूं कि बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट अभी अनाउंस हुए हैं, मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो अब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी लेटेस्ट और न्यू न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और बेहतरीन न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।